नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रेल। नमस्कार मैम, आपका नाम? अनु। कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून जी। कितने सालों के डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? वो हो गए 12 साल समथिंग जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी बीए फर्स्ट ईयर जी। मैम, आप इतने दूर से आज बरनावा यूपी में आए हैं, आज यहाँ पे ऐसा क्या फंक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे आ पाए? बस फंक्शन, अपने पिताजी का बर्थडे है, हम लोग बर्थडे को पिताजी को फेस्टिवल्स के तौर पर मनाते हैं। बाकी अपने पिताजी हमारे लिए सब कुछ हैं, तो हम उनके लिए कुछ भी कर लेंगे जी। आपको आप बोल रहे हो कि आपको 10-12 साल हो चुके हैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए, इन 10-12 सालों में आपने कितना कुछ अंतर देखा है डेरा सच्चा सौदा में? अंतर तो बस क्या बताऊँ आपको, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है जी। बाकी पिताजी वेलफेयर वर्क चलाते हैं अपने, उनमें पिताजी मतलब बहुत सी चेंजेस आते हैं, यूथ भी आगे आता है उन सब चीज़ों में, तो यही बहुत बड़ी बात है कि यूथ आगे आ रहा है जी। तो मेरे लिए अंतर यही है कि अपने पिताजी यूथ को आगे लेके आ रही हैं हर चीज़ में। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं डेरा सच्चा सौदा के? पूरे ही सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि अपने पिताजी ने जो भाई लोग होते हैं उन लोगों को इतना अच्छे से ट्रेन किया है, इतना अच्छे से उनको समझाया कि वो लोग गर्ल्स की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जी, मतलब बहनों का दर्जा देते हैं। तो हम लोग डेरा सच्चा सौदा में आके बिल्कुल भी नहीं डरते कि हाँ कुछ हमारे साथ गलत होगा या कुछ भी, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग सेफली यहाँ पे, पिताजी ने उन लोग को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि वो लोग गलत नज़र से देखना तो दूर नज़र झुका के ही बात करते हैं। मैम, इन 30 दिनों में गुरुजी ने ऐसे कौन से मानवता भलाई कार्य किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ मुझे समाज में बताना चाहिए? पिताजी ने वर्ड्स के लिए भी किया है कि हाँ आप वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे बच्चे होते हैं उन लोगों को एजुकेशन के लिए किया है, और स्वीट्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह। बाकी पिताजी ने जो वृद्ध आश्रम होते हैं ना जी, उसमें जो पेरेंट्स होते हैं जो वृद्ध होते हैं उन लोगों के लिए भी किया है कि हाँ वहाँ जाके हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करें जी, जी। उन लोगों को भी दिखा केयर करें उनकी, वो सी चीज़ें जी। गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसके बावजूद गुरुजी पर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो वो तो अपनी थिंकिंग होती है लोगों की, हम उनसे कुछ मतलब भी नहीं रखना चाहते जी जी। बाकी हमारा तो पिताजी से मतलब है, पिताजी को हमारे से मतलब है, हमें और चीज़ों से मतलब ही नहीं है, हमें उनसे क्या लेना है जी। जब इन 30 दिनों में गुरुजी ने कितना समय दिया था साथ संगत को? पिताजी टोटली सत्संग मतलब संगत को ही समय देते थे जी। पिताजी शाम को आते थे, शाम को सत्संग फरमाते थे, जिसको लाइव सेशन बता सकते हो जी। बाकी पिताजी उसमें समझाते ही थे, जैसे पिताजी अपने बच्चों को समझाते आते ही हैं पहले से। बाकी पिताजी ने 5 साल बाद जैसे वो उन्होंने वैसे ट्रीट किया अपनी संगत को, उन्होंने बहुत टाइम दिया, मतलब देखा जाए तो ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड ही संगत के साथ किया है जी। आप इन सब चीज़ों को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं गुरुजी को? मैं तो यही अपील करूँगी, भाई माफ़ी मांग लो सब, क्या फ़ायदा है क्यों किसी के उसमें वो पढ़ना है, वो तो खुद आए जी, है ना। अब सरकार मतलब वही है कि अपने ऊपर पाप रख रही है जी जी, तो क्यों किसी के उसमें वो करना है, किसी गुरुजी को क्यों ठेस पहुँचानी है जी जी। इससे अच्छा कि आप लोग माफ़ी मांग लो, जो आरोप आपने लगाए हैं उनको वापस ले लो, और जो अदर जो भी लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ की है आरोप लगा रहे हैं उनको भी, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये चीज़ अपनी वापस ले लो। इसी तरीके से द फैक्ट टाइम से जुड़ रही है सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।